सुप्रभात, नमस्कार। इस खूबसूरत सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ इंद्राणा आश्रम में ये जो भवन आप देख रहे हैं, बांस का स्ट्रक्चर, ये असल में प्रार्थना भवन है। यहाँ पर सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। तो ये स्ट्रक्चर पहले लगभग 4 से 5 साल पहले बनाया गया था, तो काफ़ी कुछ उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो वही कार्य यहाँ पर अभी किया जा रहा है। कुछ कारीगर आए हुए हैं नैनीताल के पास से, तो वो इसको सुधारने का काम कर रहे हैं, इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो थैच रूफिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ज़्यादातर तो बांस का ही काम है इसमें, और एक प्रकार की घास है जिसको इसके ऊपर से छप्पर जैसा छाया जाएगा। तो पहले भी हमने देखे हैं और अभी भी वर्तमान में जिन जगहों पर यज्ञ होते हैं, यज्ञशालाएँ होती हैं, उन भवनों का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से ही दिखता है। अभी तो ये पहला फेज ही है, पुराने को निकाल के इसमें बांस लगाए गए हैं, जैसे चित्र में वीडियो में दिख ही रहा है। आज चूँकि यहाँ पर चारों तरफ बादल बादल ही है, तो धूप निकली नहीं है। सुबह का लगभग 8:30 बज गया है। पीछे खूबसूरत पहाड़ी दिख रही है आपको, तो हो सकता है वीडियो उतना साफ ना हो, तो हम जब धूप निकलेगी तब भी कुछ शॉट्स यहाँ के लेंगे और क्या काम चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे भी। तो ये मिस्त्री अभी काम कर रहे हैं। बांस तो देखें आप, ऊपर से नीचे तक इस तरह से लगाए गए हैं, उनको कीलों से ठोका गया है। पिलर जो है वो तो पहले से ही खड़े हुए हैं, पिलर सबको दिख रहे हैं, ये बांस के ही हैं। ये सब पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बांस का है। तो रस्सियाँ जैसे ही बांध रहे हैं, ये रस्सियाँ भी बांस की ही हैं, तो इनको लगा रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर में मजबूती आए। तो कारीगरों के साथ हमारे आश्रम के आशीष गुप्ता भी अभी अभी साइट पर हैं। थोड़ा पास से देखने की कोशिश करते हैं कारीगर किस तरह से बांस की, मैं तो उसको रस्सी ही बोल रहा हूँ, तो जैसे रस्सी से हम बांधते हैं किसी चीज़ को, वैसे जैसे स्ट्रक्चर को, ये बांस की पतली पतली रस्सी जैसे उनसे इस स्ट्रक्चर को बांध रहे हैं मजबूती के लिए। ये वाले बांस अपन ने किस लिए लगाए, ये वाले कौन सा वाला, ये वाले ये किस लिए लगाए चारों तरफ, ये लगाया ये सपोर्ट के लिए, बैठने के लिए ना, किनारे पे बैठ सके इसके लिए। तो ये पिलर्स में आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये पिलर्स, जैसे कि हम सीमेंट और कंक्रीट के भवन बनाते हैं, तो उसमें अक्सर इस तरह से लोहे के सरिया जिसको बोलते हैं, इस तरह से पिलर्स बना के खड़े किए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स बांस के ही हैं, बांस के ही पिलर्स हैं। बीम जैसी जो हम बोलते हैं, बीम जो तैयार करते हैं, वो भी बांस की ही है।